जोधपुर के राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से बागवानी में नवाचार किया जा रहा है। इसके तहत विश्वविद्यालय की ओर से ताइवान के प्रसिद्ध पपीते की किस्म के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। फार्म इंचार्ज डॉक्टर मोतीलाल मेहरिया ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2018 के तहत विश्वविद्यालय में मॉडल नर्सरी की स्थापना कर यह पपीते की किस्म तैयार की जा रही है। हमारे विश्वविद्यालय में गत वर्ष हमने ये पपीते के पौधे तैयार किए थे और ये पौधे हमारे एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट हमें मिला था। उस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य था कि मारवाड़ में या पश्चिमी राजस्थान में होने वाले फलों के शुष्क फलों के पौधे तैयार करना। उसमें हमारे नींबू थे, अनार थे, बेलपत्र थे और जिसमें ये पपीते के पौधे भी हम तैयार कर रहे हैं। और उस परियोजना के तहत हमने एक मदर ब्लॉक हमने डेवलप किया है जिसमें अलग अलग वो वैरायटी के हमने प्लांट लगाए हैं। इस बार हम उससे भी ज़्यादा लार्ज स्केल पर पपीते के पौधे इस वैरायटी के तैयार करेंगे और मारवाड़ के किसानों को हम अगस्त के अंदर उपलब्ध कराने की हमारी मंशा है। और इस पौधे की जो रेड लेडी पपैया है, इसकी खासियत है कि जो अपने ट्रेडिशनली जो अवेलेबल पपीते के पौधे हैं उन पौधों के अंदर अलग अलग नर और मादा होते हैं, तो उसके अंदर आधे पौधे जो नर है वो वेस्टेज हो जाते हैं, अलग ही किसानों को बाद में पता लगता है या उनको हटाना पड़ता है, 10% ही रखना पड़ता है। तो इस जो इस वैरायटी में है ये मादा उभयलिंगी वैरायटी है और इसमें अलग अलग नहीं, एक ही पौधे पे ये नर और मादा होते हैं, तो इसलिए अलग नर पौधे।